सो आज मैं मेरे माँ गाँव जा रहे हैं, वैसे कोई रीजन तो ही नहीं गाँव जाने का, ऐसी छुट्टी इसलिए गाँव जा रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड अभी मैं आया हूँ कड़मुली की मैकडे के यहाँ पे 10:46। वैसे बस आने को टाइम है तो हम थोड़े जल्दी आ गए बिकॉज वो वेट कर रहे, उससे अच्छे कि हम ही वेट कर रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं। ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे, 4 दिन के लिए जा रहे हैं। एक बैग में पूरी हमारी बैग पैक हो गई है एंड मैं एंड मेरी माँ जा रही है। आइए। हाय। एंड मेरा भाई हमको छुड़ाने आया है, वो आ नहीं रहा है बिकॉज उसको छुट्टी नहीं मिली। तो तुला छुट्टी नहीं भेटली म्हणून तू येत नाही का? तुला यायचं नाही म्हणून तू येत नाही? सुट्टी नाही वाला म्हणून। नाश्त्याला काय घेऊन आलाय? बर्गर घेऊन आला। अरे हा, मॅकडी बाजू मी आहे ना, तो पता नहीं गाड़ी अभी आधे घंटे का रुके जो उससे अच्छा यही पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं गाड़ी का। एंड देखो गाड़ी तो आते जा रही है अभी, ये सब लोकल गाड़ी है एंड हमने तो बुक की है। तो अगर आपने गाड़ी बुक नहीं की तो आप ऐसे लोकल गाड़ी जो आ रही है उनके पीछे भी भाग भाग के अपनी सीट बुक कर सकते हो, बट हमने तो बुक की है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी को जो वाशी टोल नाका पहुंची है, आने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर वेट कर लेते फिर। तो बस आ गए यहाँ पे, बस का नाम आकांक्ष है एंड अभी यस टिकट दे दिया। चलो सीट नंबर देखते हैं। वैसे 8 और 9 सीट नंबर है, दो सीट रही। ओ भाई क्या सीट मिला है, मस्त। राकेश है का खाली? हाँ राकेश। कुठे? दादा खड़े कर। अरे भाई गए, चल बाय। बरोबर है। चलो थोड़ी देर बाद बस तो निकलेगी, मस्त कंफर्टेबल लग रहा है एकदम। एसी भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है, बहुत जोर से सुसु लगी थी यार। एंड सामने वॉशरूम है। सो अभी तो 1:30 बज गए, लास्ट टाइम भी इधर ही रुके थे हम लोग। ये होटल में मतलब इतना थर्ड क्वालिटी का फूड था ना, सीरियसली मतलब बहुत बेकार था। कौन सी जगह ये पता नहीं। सो अभी जस्ट पहुँचे, टाइम हो रहा है 7:22। मतलब अभी गांव में पहुँचे नहीं, सोलापुर में, बिकॉज सोलापुर गाँव है ना। तो सोलापुर पहले हम क्या करते थे? सो अभी कब तक पूछ लें? वाड़ाला। ओके। एक्चुअली हम पहले क्या करते थे, सोलापुर का तो सोलापुर डिपो में उतरते थे एंड वहाँ से फिर बस पकड़ के जाते थे। बट अभी वाड़े में उतरे बीच में ही कहीं, तो यहाँ पे भी हमारे रिलेटिव है तो पहले जाके उनके घर पे थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होके नाश्ता वगैरह करके फिर निकलेंगे, है ना। ज़्यादा दूर है नहीं, अभी ब्रिज के सामने से थोड़ा 10 मिनट चल के जाएंगे ना तो उनका घर आएगा। तो मस्त लगा एकदम सो के, और बेड मस्त था, कसरत झाली जॉब। चलो अभी जाके थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे एंड देखते फिर गाँव जाएंगे, फिर आपको वहाँ का सीन कंटिन्यू करता हूँ। फिलहाल ये वाड़े का जगह देख लो कैसी है एंड हो रहा है सनराइज। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो ये रिलेटिव के पास ही रुका था, तो चलो उनका भी घर देख लेते हैं। झेंडू स्टार्टिंग में तो पूरा भाग क्या है, और अभी देखो खेल रहा है मस्त में। घर देखो गाइस कितना मस्त घर है, वो साइड किचन है और ये पूरा हॉल मस्त। मैं फ्रेश हो गया एंड नाश्ता भी हो गया तो अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। सो अभी मैं आया हूँ टेरिस पे एंड ऊपर से व्यू देख सकते हो विलेज का कैसा दिख रहा है। अभी 8:55 हो रहे हैं, अभी यहाँ से हम फिर से ब्रिज जो था ना वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ से फिर ऑटो वगैरह देख के फिर जाएंगे सोलापुर डेपो एंड वहाँ से फिर बस पकड़ के जाएंगे हमारे गाँव में। एंड इसमें हमने गर्म पानी किए थे नहाने के लिए, मतलब ये नीचे तो जलेगा और उसके भाप से ऊपर का भी पानी गर्म होगा। वैसे अंदर वॉशरूम वगैरह सब है बट इन्होंने बाहर भी करके रखा है तो जिसको बाहर नहाने वो नहा सकते। वो तो ये दूध देने के लिए यहाँ पे गाड़ी से। दूसरी बात, हम जब इनके घर पे आए थे ना तो यहाँ से हमने ऑटो करके सोलापुर डेपो गए थे एंड वहाँ से फिर बस पकड़ के गाँव गए थे, बट वो बस ना यहीं से घूम के गए थे। तो इस बार हमने क्या किया, यहीं पर बस पर थोड़ा वेट किया एंड 2 मिनट में बस आ भी गई। तो अभी सीधा यहाँ से हम डायरेक्ट उतरेंगे हमारे गांव में पौटाई में, तो सोलापुर डिपो वगैरह तो मेरी इतना घूम के तो नहीं जाएगा, सीधा पौटाई में उतरेंगे फिर। सो अभी जिस बस से उतरे एंड एक्चुअली घर हमारा वो साइड है, बट फिलहाल तो हम जा रहे हैं वाड़े में। ये क्या वाड़ा तोड़ ला क्या? अरे बापरे, इसका तो लुक ही चेंज कर दिया। सो थोड़ी देर रेस्ट करके भी जा रहे हमारे एक्चुअल घर में, तो यहाँ से भी सीधे सीधे वे है तो जाके थोड़ा पहले तो वहाँ पे साफ सफाई करना है बिकॉज खाना खाने वापस यहीं पर आना है। तो बोले जाओ थोड़ा साफ सफाई कर लो, देखते हैं अभी घर कितना गंदा है वो पूरा साफ कर देते पहले तो। एंड गांव देख सकते हो, दिस इज माय विलेज एंड ये स्कूल है, हालांकि मैं स्कूल में था नहीं। देखते फिर आज का क्या प्लान बनता है, अभी तो फिलहाल घर ही साफ करेगी, उसके खाना भी ना खाएगी
देखते हैं, अगर खेत में जाने का प्लान हुआ तो हम खेत में भी क्राउंड मार के आएंगे, थोड़ा कुछ काम होगा वो भी कर लेंगे। सो अभी 10:30 बज रहे हैं, ये मेन स्कूल है गाँव की, तो कोई भी शादी वगैरह का फंक्शन होगा ना यहीं पर करते हैं उन लोग। तो लास्ट टाइम हम आए थे ना तो यहाँ पे सामूहिक विवाह चालू था। ये वे गांव में जाने का सीधे सीधे रास्ता ही है अभी। ऐसे अभी घर दिखने जा रहा है, यस ये रहा सामने वाला, ये मतलब मामा का घर है एंड उसके सामने ये। चलो चलते आगे। और ये रही हमारे गाँव की भीड़, इसमें से हम पानी भी नहीं निकलते थे। पानी है क्या अभी, इतना ही पानी रहता है इसमें। एंड ये पूरा खेत भी पूरे घूमे हम। और ये रहा हमारा छोटा सा घर, एकदम छोटा सा। चलो चलते अंदर। चलो अच्छी बात है घर की हालत ज़्यादा बुरी है नहीं, बस मिट्टी मिट्टी हो गई है सब जगह पे। और ये रहा हमारा किचन, थोड़ा भी साफ सफाई करते हैं यहाँ पे। एंड पहले तो चेंज कर लेता हूँ मैं, शॉर्ट्स वगैरह पहनना पड़ेगा, अभी जीन्स और शूज पे घूम रहा हूँ। क्या काम कर रहे थे दादी? कपड़े बाहर फेंक, झाड़ू मार के यहाँ पे क्लीन कर दिए है। एंड ऊपर भी जो जाली वगैरह लगे थे वो भी सब निकल दिए है। जो किचन था, किचन का भी पूरा सामान बाहर निकल दिए है, तो यहाँ का भी पूरा क्लीन कर दिया है। चलो अभी इसको थोड़ा पेंट कर देते। सो यहाँ पे एक पेंट का बॉक्स बचा था, तो पेंट अभी रेडी हो गया हमारा मस्त में। अभी ये रहा ब्रश, अभी जितना भी रूम दिख रहा है मस्त में इसको अभी व्हाइट पेंट करके एकदम चकाचक कर देगी। चलो इसको पेंट करते हैं, 1, 2, 3। यो सो पेंट हो गया फाइनली, यहाँ का भी हो गया मस्त में एंड मस्त फ्रेश भी हो गया। अभी नहा के एकदम चकाचक नहा के वहाँ पर मस्त जगह है नहाने के लिए। तो थोड़ा सा हमने स्नैक्स वगैरह भी कर लिया, मतलब बिस्किट था, चिप्स था और स्प्राइट वगैरह लेके आए थे। तो थोड़ा पेंट करते करते वो भी थोड़ा खाए, तो भूख ज़्यादा लगी नहीं। सो फाइनली काम ख़त्म हो गया है, अभी जाते फिर से वाड़े में। सो अभी जाके वहाँ पे लंच वगैरह करेंगे। झाला सगड़ा ये भी देख सकते हो मस्त में सब चकाचक हो गया है, लादी भी। सो ऐसे आए थे तो एक नॉर्मली एक हाथ घुमा दिया, थोड़ा साफ कर दिया घर। हालांकि यहाँ पे रहने वाले है नहीं, रुकने वाले है नहीं, बट ये ऑफिशियली हमारा घर है तो थोड़ा क्लीन रखना चाहिए, है ना। एंड ये मेरे मामा का घर है जो अभी खेत पे गए है, तो अभी है नहीं घर में, होते तो मैं अभी मिला देता था उनसे। तो पेंट करते करते थोड़ा से कपड़े भी मेरे गंदे हो गए, तो उसको कल धो देगी माँ। कोई नहीं, काम तो पूरा हो गया है, निकलते फिर। सो वापस आके लंच वगैरह करके जो सो गया ना, एकदम मस्त नींद आई एकदम, फिर आराम से उठा एकदम। कितना अभी तो अभी 8 बज रहे, तो सोने के बाद उठा, फिर फ्रेश वगैरह हो गया एंड फिर टी वगैरह नाश्ता किया। एंड अभी फिर बाहर आया अराउंड घूमते घूमते, फिर आया थोड़ा बाहर विलेज में। देख सकते हो 8 बजे का कितना मस्त लग रहा है गाँव अभी। तो मैं अभी आया भाई गुरु के साथ बाहर। हाय गुरु। हाय। डिनर बना रहे घर पे, तो सोचे चलो बाहर आते हैं ना। एक्चुअली आज थोड़ा नर्वस था यार, तो ज़्यादा कुछ मैंने एक्सप्लोर किया नहीं, देखते हैं कल थोड़ा सा घुल मिल गया तो फिर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर कर दूंगा। तो कल का क्या प्लान होता है, कल ट्राई करूंगा कि आज एक्चुअली जाना था खेत में, बट जो नींद आई, और देखते हैं कल के दिन में हम जाएंगे पूरा खेत एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा खेत में काम वगैरह भी करेंगे।